हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं साइंस वन का चैप्टर नंबर 4, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके सारे न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एट अ रेट ऑफ 100 वॉट, द करंट ऑफ 3 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सर्किट, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन है, जिसमें बताया गया कि जब भी करंट फ्लो होता है तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो एट द रेट ऑफ 100 वॉट हो रही है। इसका मतलब ये पावर है, पावर की वैल्यू 100 वॉट है, पावर हमको गिवन है, और यहाँ पे गिवन है हमको करंट, करंट दिया हुआ है 3 एम्पियर। तो पावर का फॉर्मूला है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट से हमको मिलता है पावर। पर यहाँ पर हमको पूछा हुआ है रेजिस्टेंस कितना है, तो इसके लिए हम दो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहला फॉर्मूला तो ये है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, और सेकेंड फॉर्मूला है ओम्स लॉ जो 9th स्टैंडर्ड में था, वी इज इक्वल टू आई आर। ये दो फॉर्मूले से हम इस सम को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम गिवन लिखते हैं, पावर यानी कि पी इज इक्वल टू 100 वॉट, और आई, आई का मतलब होता है करंट, जिसका वैल्यू है 3 एम्पियर, ये एम्पियर इसकी यूनिट है, और टू फाइंड, जो हमको फाइंड करना है रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो इसका सोल्यूशन, पावर इज गिवन बाय पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, अब पी की वैल्यू 100 है, वी की वैल्यू हमको नहीं पता, वी को ऐसे रखेंगे, और आई की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो जो V की वैल्यू आएगी वो आएगी 100 अपॉन 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। और फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ने हमको बताया है, हमको सिखाया है कि ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको दिख रहा है ये दोनों भी V इक्वल है, तो ये दोनों नंबर्स इक्वल होंगे। इसका मीनिंग है आई आर इज इक्वल टू 100 अपॉन 3, जो हमको मिला है फ्रॉम 1 एंड 2। तो जहाँ पे आई है वहाँ पर वैल्यू रखेंगे 3, और उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा 100/3। जहाँ पर आई है वहाँ पर 3 रखना है, 100/3, आर की वैल्यू आएगी 100/3×3, ये 3 यहाँ पे नीचे आ गया, और आर की वैल्यू आएगी 100/9, 100/9, यहाँ पे 10 है तो 1 वैल्यू बचेगी 1, 0 नीचे आएगा अपने आप, यहाँ पर आएगा अगेन 1, 9 नंबर्स ख़त्म हो गए तो पॉइंट, और 0, और फिर 9, और ये चलता ही रहेगा, तो 1.1111 आता ही रहेगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आंसर है R इज इक्वल टू 11.11 ओम। ओम ये यूनिट है रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस को ऐसे ही मेजर करते हैं। तो आपका जो स्टेटमेंट आएगा, द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट इज 11.11 ओम। इस क्वेश्चन को इतना लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको सब कुछ स्टेप पता है डायरेक्टली आप पावर और ये सारे फॉर्मूलेस लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर बी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो टू टंगस्टन बल्ब ऑफ वॉटेज 100 वॉट एंड 60 वॉट पावर वर्क ऑन 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि बैटरी है, बैटरी लगा है जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहाँ पे उसका वोल्टेज है 220 वोल्ट, और इस कंडक्टर से दो ऐसे पार्टीशंस है पैरेलल में कनेक्टेड, दो पार्टीशंस रहेंगे, यहाँ पर एक बल्ब है जो बल्ब 1 है, यहाँ पर एक बल्ब है जो बल्ब 2 है, और बाद में ये दोनों भी कनेक्शंस वापस से इस मेन कनेक्टर में आ गए हैं। तो हमारा मेन कंडक्टर ये वायर है, करंट ऐसे जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे फ्लो हो रहा है करंट, और यहाँ पर वापस नेगेटिव में आएगा। तो ये हमारा कुछ सर्किट इस तरह का सर्किट है, ये बल्ब 1, ये बल्ब 2, दो बल्ब है, पहला बल्ब उसका पावर दिया हुआ है 100 वॉट, दूसरे बल्ब का पावर दिया हुआ है 60 वॉट, और दोनों को जो पोटेंशियल मिल रहा है वो है 220 वोल्ट का। पूछा हुआ है इफ़ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर, इस वायर में कितना करंट फ्लो होगा। तो पहले हम निकालेंगे, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो पहले दो पार्ट में डिवाइड होगा, I1 एंड I2 में करंट मिलेगा, I1 जो इस वायर से जा रहा है, और हमको मिलेगा करंट I2 जो इस वायर से जा रहा है, बाद में दोनों साथ में हो रहे हैं तो I जो मेन कंडक्टर में जो करंट आएगा, टोटल करंट जिसे हम बोलेंगे, टोटल करंट जो आएगा वो I1 प्लस I2 से आएगा। तो सिंपली हमको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, बहुत ही ईजी है। पहले हम बल्ब 1 के लिए सॉल्व करेंगे, फिर बल्ब 2 के लिए सॉल्व करेंगे, बल्ब 1 से हमको I1 मिलेगा, बल्ब 2 से हमको I2 मिलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे हमको टोटल करंट मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग मानते हैं कि बल्ब 1 का जो पावर है, फॉर बल्ब 1 P1 दिया हुआ है 100 वॉट, फॉर बल्ब 2 P2 जो दिया है वो 60 वॉट, और हमको पता है कि V1 या V2 दोनों भी सेम ही है, तो हमको डायरेक्टली V कंसिडर करेंगे, V की वैल्यू जो है वो 220 वोल्टेज दी हुई, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है जो बैटरी से आ रहा है। टू फाइंड टोटल करंट I की वैल्यू क्या होगी, तो उसका सोल्यूशन लिखते हैं पहले। फॉर बल्ब 1 के लिए
जो पावर है उसका पहले भी फॉर्मूला डिस्कस किया था, पावर होता है इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, ये दो चीज़ से हमको मिलता है। तो यहाँ पर पहले तो बल्ब वन के लिए जो पावर है पी वन इज इक्वल टू वी इनटू आई वन, वी तो सेम ही रहेगा, वी वन लिखो या वी टू लिखो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे पी वन की वैल्यू हमको मिल रही है 100 और वी वन की वैल्यू या वी की वैल्यू हमको मिल रही है 220 और आई वन की वैल्यू हमको नहीं पता। तो आई वन की वैल्यू आएगी यहाँ से, इसको यहाँ नीचे फेंकना है तो डिवाइड आ जाएगा 100 अपॉन 220। यहाँ पे 0 0 कैंसिल हुए, 10/22 आ रहा है, इसको और कट करेंगे 5/11 तो 5 0.45, जो आंसर आएगा वो 0.45 आएगा। आई वन के लिए जो वैल्यू आई है आई वन इज इक्वल टू 0.45 एम्पियर। बल्ब टू के लिए पी टू इज इक्वल टू वी टू इंटू आई टू, पी टू की वैल्यू तो हमको यहाँ से गिवन है 60 मिल रहा है हमको, वी टू या वी की वैल्यू तो फिक्स है 220, तो आई टू हमको मिलेगा 220 को नीचे फेंकेंगे और हमको आई टू मिल जाएगा। आई टू इज इक्वल टू यहाँ पर देख सकते हैं 60 यहाँ पर है, 220 नीचे आ रहा है, तो 60 अपॉन 220, 0 0 कैंसिल होंगे, बचेगा 6 अपॉन 22, तो सॉल्व करेंगे तो 3 अपॉन 11, हमारे पास वापस से 11 से डिवाइड करना है इसे, तो 3 डिवाइड बाय 11 पॉसिबल नहीं है, तो 0 ऐड किया, 2 आ रहा है 22 और 8 बचेगा, 8 बचने के बाद अपने आप 0 ऐड होता है 11 नंबर्स पॉइंट के बाद, तो 7 आएगा 77 और 3 बचा, 0 अपने आप ऐड होगा वापस से वही 2727 रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसे फिक्स कर रहा हूँ 0.27 पर, तो हमको आंसर मिलेगा 0.27 एम्पियर। टोटल करंट जो होगा I इज इक्वल टू होगा I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू है 0.45 और I2 की वैल्यू है 0.27, दोनों को ऐड करेंगे, 7 प्लस 5 होता है 12, 1 कैरी हो गया तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1 7, तो ये हमारा आंसर है टोटल करंट का 0.72 एम्पियर। तो टोटल करंट विल फ्लो इन द सर्किट विल बी 0.72 एम्पियर, ये स्टेटमेंट लिखना इंपॉर्टेंट है, उस पर मार्क्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है, हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 500 वॉट टीवी सेट इन 30 मिनट्स और 600 वॉट हीटर इन 20 मिनट्स। टीवी सेट है और इसका पावर दिया हुआ है 500 वॉट, इसे ऑन करना है 30 मिनट्स के लिए और एक हमारे पास हीटर है, उस हीटर का जो पावर है वो है 600 वॉट, 20 मिनट्स तक चालू करना है, उसे ऑन रखना है। पूछा हुआ है कि ज़्यादा एनर्जी कौन यूज़ कर रहा है, तो मतलब ज़्यादा बिल कौन लेकर आएगा, टीवी या फिर हीटर, ये हमको क्वेश्चन दिया हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, तो फिर एनर्जी होगा पावर इनटू टाइम। सो हमारा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, और एक कैच है यहाँ पे, टाइम को हमेशा हमको सेकंड्स में रखना है, यहाँ पे मिनट्स में दिया तो कन्वर्ट करेंगे टाइम को हम। फॉर टीवी सेट पी वन है, इसका मतलब है पावर जो है 500 वॉट और है टी वन जिसका मतलब है 30 मिनट्स, 30 × 60 सेकंड्स, तो हमारा आंसर आएगा 3 × 6 = 18, सो 1800 सेकंड्स, ये हमारा टी वन आ गया। अब नेक्स्ट है हीटर के लिए, जो हमारे पास पावर है टी टू वो है 600 वॉट, टाइम आएगा टी टू वो है 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स हमारे लिए अच्छा यूनिट नहीं है, 20 × 60 सेकंड करेंगे क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मिनट को हटा के हम सेकंड रिप्लेस करेंगे और फाइनली हमारा आंसर आएगा 1200 सेकंड। टू फाइंड हु स्पेंड मोर एनर्जी, जो फाइंड करना है वो चेक करना है कि ई वन और ई टू दोनों में से कौन ज़्यादा है, सोल्यूशन इसका देखते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम, फॉर टी वी सेट ई वन इज इक्वल टू पी वन इंटू टी वन, तो पावर की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है 500, टाइम की वैल्यू दिख रही है यहाँ पे 1800, सो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 × 1800, 18 × 5 होगा 90, तो यहाँ पे 40 ऐड होने वाले, 90 के बाद 40 हमको ऐड करना है, तो 90 के बाद 40 ऐसे ऐड करना है, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 900000 जूल, 90 उसके बाद 340, सो फाइनली आंसर मिलेगा हमको। इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 10^5 जूल, ये भी सही चीज़ है लिखना, कोई गलत बात नहीं है, ऐसे भी करेंगे, ऐसे दोनों भी चलता है। हीटर उसके लिए भी सेम फॉर्मूला है, ई टू इज इक्वल टू पी टू इंटू टी टू, वैल्यू दिया है पी टू की 600 और टी टू की वैल्यू दिया है 1200, सो 600 × 1200, हमारे पास जो वैल्यू है वो 720,000 जूल, ये वैल्यू हमको ई टू की मिली है, जिसे हम कन्वर्ट करके ऐसे भी लिख सकते हैं ई टू इज इक्वल टू 7.2 × 10^5 जूल। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 9 × 10^5 है,
यहाँ पे 7.2 न्यूटन पावर 5 है, यहाँ पे 9 लाख है, यहाँ पे 7,20,000 है। तो ऑब्वियसली ज़्यादा जो यूज़ कर रहा है एनर्जी वो है हमारा टीवी सेट। यहाँ पे हमारा विनर है, E1 इज ग्रेटर देन E2, या हेंस टीवी सेट स्पेंड्स मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पहले भी आ चुका है और वापस आने की संभावना है। तो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1100 वॉट इज ऑपरेटेड फॉर 2 आवर्स डेली, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एक्सपेंसेस फॉर दैट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। द इलेक्ट्रिक कंपनी चार्जेस 5 रुपीज़ 5 पर यूनिट ऑफ एनर्जी। एक स्त्री है जिसका जो पावर है वो 1100 वॉट, बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करता है स्त्री, और उसको यूज़ कर रहे हैं हम 2 आवर्स के लिए डेली। किस महीने में? अप्रैल के मंथ में। अब अप्रैल ही क्यों? क्योंकि अप्रैल में होते हैं 30 डेज, तो 30 डेज तक हमको यूज़ करना है ये स्त्री को, और देखना है कि 30 डेज में कितना इसका बिल आया। अगर एक यूनिट का चार्ज, एक यूनिट के लिए जो कंपनी है वो 5 रुपया लेती है, सबसे पहले हमको निकालना है कि यह स्त्री 2 आवर्स में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगी, उसके बाद हमको निकालना है कि 30 डेज में कितना कंजम्पशन होगा, और उसे उसमें कन्वर्ट करना है फिर यूनिट में। अब यूनिट सिंपली बताओ अगर, तो यूनिट होता है कि बहुत सारे एनर्जी का एक बंडल, जैसे कि हम कभी बाज़ार में जाए बनाना लेने के लिए, केला लेने के लिए, तो केला हमको मिलता है दर्जन के भाव से, दर्जन लेंगे, दर्जन में 12 होते हैं। वैसे ही अगर हम कुछ और सामान लेने जाए, चावल लेने जाए, चावल गिन के नहीं देता कोई, एक दो चावल या दो दाना लेगा, ऐसा नहीं होता, किलो में लेना पड़ता है, 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो जो भी हिसाब से। उसके बाद जो भी चीज़ें हम जाते हैं उसको एक बंडल में, एक बंच में बेचा जाता है, वैसे ही एनर्जी को भी एक बंडल, एक बंच में बेचा जाएगा जो एनर्जी का यूनिट है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 3.6 × 10^6 जूल, जिसका मीनिंग है 3600000 जूल। जब इतनी एनर्जी हो जाए, 3600000 जूल एनर्जी हो जाएगी कंजम्पशन किसी भी घर में, तो उसे हम बोलेंगे इस घर ने यूज़ किया है 1 यूनिट एनर्जी। 3600000 जूल एनर्जी किसी भी घर में अगर गया तो इसका मतलब है 1 यूनिट एनर्जी। तो ऐसे आप सिंपली ऐसे याद रखिए, 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.65, इसी यूनिट का वो 5 रुपया ले रहा है, हर 3600000 जूल पे 5 रुपया लगेगा जो कंपनी चार्ज करने वाली है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से ध्यान देना थोड़ा। सबसे पहले गिवन पावर इज इक्वल टू 1100 वॉट, उसके बाद हमको दिया है टाइम जो है 2 आवर्स, को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में। अब आवर्स का मतलब होता है 2 × 60 मिनट × 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। तो 2 × 60 × 60 फाइनली आंसर आएगा 7200 सेकंड। 1 यूनिट यहाँ पे लिखा नहीं हुआ पर मुझे पता है, हमें सबको पता है 3.6 × 10^6 जूल होता है, और चार्ज जो है, चार्ज पर यूनिट इज ₹5 लग रहा है हर यूनिट पे। सबसे पहले हमको फाइंड करना है टोटल एक्सपेंस, ये हमको सोल्यूशन के लिए, एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम। यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा, पहले जो एनर्जी निकालना है वो पर डे का, आयरन इज ऑपरेटेड फॉर 2 आवर्स डेली, ये 1 डे का एनर्जी कंजम्पशन है। सो E1 1 डे के लिए जो आएगा वो आएगा E1 इज इक्वल टू P, P का मतलब है 1100 इंटू टाइम, E1 इज इक्वल टू P इंटू T था, तो उसमें P की वैल्यू आएगी 1100, और T की वैल्यू यहाँ पे निकाला है तो 2 आवर्स के लिए, 2 आवर्स का मतलब होता है 7200, पहले हम 11 और 72 को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में 0 ऐड कर देंगे, तो 72 × 11, तो 27027 ये हमको करना है, तो 297792, उसके बाद 20 और फिर 20, तो 40 ऐड करना है, तो फाइनली आंसर मिलेगा हमको 7920,000 जूल। ये हमारा आंसर है पर डे का, ये पर डे 1 डे के लिए। एनर्जी कंजम्पशन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल हैज 30 डेज, एनर्जी आएगा वो आएगा 30 × E1, हमको 30 से E1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 1 डे का है और ये टोटल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी कैसे मिलेगा हमको, 1 डे का मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 दिनों के लिए, तो हमको मिलेगा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 30 × E1, E1 की वैल्यू कितनी थी 7920,000, सो खाली मल्टीप्लाई करना है 2376 10 20 30 40 50, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 0 लगेगा, 2376,00,000 जूल एनर्जी कंज्यूम हुआ है पूरे महीने में। तो टोटल एनर्जी आया वो आएगा 2376,00,000 जूल। पर हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए यूनिट में कन्वर्जन, सिंस 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 3.6 × 10^6 जूल, जिसका मीनिंग होता है 36000000 जूल, 36 लाख जूल होता है। सो नंबर ऑफ यूनिट्स
टोटल एनर्जी डिवाइड बाय वन यूनिट. सो नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए हमारे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू है 2376000000. हमारे पास है वन यूनिट की वैल्यू, यहाँ पे लिखा है मैंने 36 के फॉर्म में 36000000. 50 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 50 है, तो 5 और 5 0 क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे. 50 ऊपर भी है, 50 नीचे भी है, सारे जीरोस क्या होंगे, कैंसिल. बचा अभी तो दोनों भी 2 के टेबल में डिवाइड होगा, तो 2 से करते हैं पहले. सॉल्व करेंगे इसे तो आएगा 1 1, और फिर यहाँ पर आएगा 8, और फिर आएगा 8 8 8 1 1 8 8 आया. इसे सॉल्व करने पे मिलेगा 1 और 3 4 3 8, 18 आ गया. वापस ये 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 5, और ये 1 8 9, और फिर 4 5 9 4, यहाँ पे मिलेगा 9. ठीक है, तो यहाँ का टेबल लिखा मैंने 59, 5 9 4 को डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 6 पे आता है 54, तो 6 54, और बचेगा 5 और 4 54 54, वापस आया तो वो आएगा वापस से 6 पर, तो 54 या 0 रिमाइंडर आया, तो हमारा आंसर आएगा 66. नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू 66 यूनिट्स इन मंथ ऑफ अप्रैल. सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक स्टेटमेंट, आयरन हैज कंज्यूम्ड 66 यूनिट्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल. को क्या पता है, हमको एक बात पता है, कॉस्ट ऑफ वन यूनिट ₹5 है, तो कॉस्ट ऑफ 66 यूनिट कितना होगा, कॉस्ट ऑफ 66 यूनिट होगा 66 × 5, जो ₹330 यहाँ पर लगने वाला है. तो हमको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है, टोटल एक्सपेंस इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज ₹330. ये स्टेटमेंट लिखकर ये सारे सम्स को सॉल्व करना है. सो ऐसे ही करना है आपको ये सारे सम्स. आई होप आपको समझ में आओ. ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बेस्ट ऑफ लक.